अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ अलीना हाउस वाइफ। व्यूअर, जैसे कि आपको पता है आज ये 12 रबी अव्वल, तो जल्द से जुलूस निकलते हैं। बच्चों ने ज़िद करी कि बाबा हम भी जाएंगे बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम जो है शाम के टाइम बच्चों को लेके बाहर निकले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ कि बाहर हम लोग गए तो हम लोगों ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ करा। तो ये देखें, हम लोग बाहर निकले थे, कितने जुलूस जल्द से जुलूस जा रहे हैं। लोग बाइकों में हैं, रक्शों में हैं, कारों में। और ये देखें, सबीलें जो है लोगों ने लगाई हुई हैं। जो लोग जल्द से जुलूस लेके निकलेंगे उनके लिए, आने जाने वाले हजरात के लिए सबीलें लगाई हुई हैं। किसी ने शरबत की लगाई हुई हैं और कोई जो है लंगर कर रहा है बिरयानी वगैरह का। तो हम लोगों ने भी जो है एक जगह पे शरबत वग़ैरह पिया है। आप लोग देखेंगे, मैंने भी लोग बनाया है, आगे आप देख सकेंगे। तो देखें ये माशाल्लाह अजान हमारे कितने प्यारे लग रहे थे। तो ये देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया था लोगों ने सबील लगाई हुई है। ये देखें, यहाँ पर जो है शरबत की सबील थी। तो शिफा पीछे लगी कि बाबा मैं भी शरबत पीऊँगी। तो जो है शहजाद फिर शरबत लेकर आए बच्चों के लिए, बच्चों ने शरबत पिया। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ हर चीज़। ये देखें कितना प्यारा शरबत इन्होंने बनाया हुआ है और टेस्ट में भी माशाल्लाह से बहुत लजीज था। बस ये है कि हम अपनी जो है कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ ही करें, रबी अव्वल भी अच्छे अकीदतों के साथ मनाया जाए। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जो है बआसानी आ सकें। और जो है क्या कहते हैं, बस ये छोटी छोटी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखें, ये भी एक जुलूस जा रहा था। ये देखें कितनी बड़ी रैली है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रैली है। लोग बहुत अकीदतों के साथ मनाते हैं ये दिन। और यहाँ पे देखें, हम लोगों की सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं कि हम जो है अवाम की सेफ्टी कर लें। तो जो है ये सेफ्टी के लिए भी हैं खड़े हुए। और अवाम जो है भागम दौड़ी करती है, इधर उधर पंगेबाजी करती है, लड़ाई झगड़े, तो उसकी वजह से भी ये लोग सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं एक जगह पर। अच्छा, मैं आपको और बताऊं कि लोग माशाल्लाह ये ईद की तरह मना रहे होते हैं दिन। एक जगह तो बल्कि बच्चों को ईदी भी दी एक हज़रत ने। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी, लोग में मैंने बनाया है कि ईदी। ये देखें, ये देखें, ये आ गई है वो वीडियो। एक जो है हज़रत ईदी बांट रहे थे बच्चों को। तो शिफा, आपको पता है हर चीज़ के पीछे लगती है, इन्हें हर चीज़ चाहिए होती है। देखें किस तरह ईदी बांट रहा है एक जो है आदमी। तो मेरे बच्चों को भी इन्होंने ईदी दी, मेरे बच्चों को इन्होंने 10-10 रुपीज़ दिए हैं तीनों को। तो हम लोगों ने ईदी ले ली थी। और ये देखें, यहाँ पर भी एक जो है सबील लगी हुई है। और फिर हम बस ये छोटी सी व्लॉग है मेरा, ज़रूर फुल वॉच करिएगा। और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को देखें, देखें कितना प्यारा है, इन्होंने यहाँ पे सजावट की हुई है और यहाँ पे जुलूस निकल रहा है। वॉच करें मेरा फुल व्लॉग और मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं कि मैं व्लॉग कैसे डालती हूँ। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे भी और व्लॉग डालूँगी, ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग मिलते रहें बआसानी में। तो ये जो है शहजाद बच्चों को बाहर लेके ऐसी रात में निकले थे चीज़ के लिए। तो ये देखें, हमारे रूट से ये इतना बड़ा जुलूस जा रहा था कि सिर्फ डबल डोर गाड़ियाँ ही थीं।
ये इतना बड़ा जुलूस था। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ डबल डोर गाड़ियां थी, ना बाइकें थी, ना कारें थी, ना रक्शे थे, सिर्फ डबल डोर गाड़ियां थी। और तकरीबन ये 22-23 गाड़ियां थी, इसमें माशाल्लाह से जुलूस जा रहा था। ये देखें, गार्डों के साथ जा रहा है ये जुलूस। तो बस यही है कि लोग अपने अपने तरीके से जलसे जुलूस निकालते हैं, अपने अपने तरीके से हर काम करते हैं लोग। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी गली में जो है वो चिराग जो जलते हैं, चिराग करते हैं, वो भी हुआ। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये भी शेयर करूं, तो आप लोग आगे देखिएगा कि ब्लॉग में मैंने डाली है वीडियो कि हमारी गली में किस तरह चिराग हुआ था। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं कि हमारी गली में किस तरह चिराग हुआ था। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारी गली में फुल चरागा हुआ था। तो ये देखें हमारी फुल पूरी गली में हुआ था ये चरागा, ये नहीं कि आधी गली में, ये पूरी गली में चरागा हुआ था। पूरी गली हमारी रोशन हो रही थी इसी चिराग की रोशनियों से। तो अल्लाह पाक हर किसी की नियाज और हर किसी की जो है नजर नियाज कबूल फरमाएँ, और सबके दिलों का हाल तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो बस फिर मेरा आज का छोटा सा व्लॉग यहीं तक के था। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।